पंचायत चुनाव में दमदारी दिखाने के लिए कांग्रेस बेताब। न्याय पंचायत स्तर पर संगठन के विस्तार के बीच कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने पूर्वांचल के दौरे पर आने के संकेत दिए हैं। प्रियंका गांधी न्याय पंचायत अध्यक्षों से मुलाकात कर ग्रामीणों से सीधे संवाद करेंगे। प्रियंका गांधी के संभावित दौरे को देखते हुए कांग्रेसियों ने संगठन विस्तार को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सालों से प्रदेश की सत्ता का स्वाद चखने के लिए कांग्रेस जी जान लगा रही है। पार्टी के जोर लगाने के बावजूद भी वो सत्ता से काफी दूर है। साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी कोई जमीन वापस पाने की कवायद शुरू कर दी है। पिछले साल से कांग्रेसियों ने नई रणनीति के तहत गांवों तक संगठन को फिर से जिंदा करने की शुरुआत की। जिले के 186 न्याय पंचायतों में पहुँचने के लिए कांग्रेस ने गाँव पहुँच कर बैठक करना शुरू कर दी। इन न्याय पंचायतों में अध्यक्षों का चयन कर उन्हें संगठन विस्तार का काम दिया जा रहा है। न्याय पंचायत अध्यक्षों को 5 से 10 गाँवों ग्राम सभा अध्यक्षों का चयन करना है। जिले के पदाधिकारी न्याय पंचायत अध्यक्षों के संपर्क में रहेंगे और समय समय पर गांवों में जाकर सीधे लोगों से बात करेंगे। प्रियंका गांधी वाराणसी में फिलहाल वर्चुअल बैठक में न्याय पंचायतों के अध्यक्ष और ग्रामीणों से बात कर रही है। वो कांग्रेस की नीतियों के बारे में अपने अध्यक्षों से बात कर रही है और ग्रामीणों को कांग्रेस की भविष्य की योजनाओं के बारे में बता रही है। कांग्रेस ने जिला पंचायत और ग्राम प्रधान के चुनाव में उतरने का निर्णय लिया है। हालांकि पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी नहीं खड़े करने की सोच रही है, लेकिन संगठन की ओर से चुने गए प्रत्याशियों को पार्टी के नाम के साथ चुनाव लड़ने की अनुमति देगी। पार्टी का मानना है कि इससे गांवों में कांग्रेस की बैठ और मजबूत होगी। विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने वर्चुअल बैठक शुरू कर दी है। वो फरवरी महीने में पूर्वांचल के दौरे पर आ सकती है। न्याय पंचायतों के गठन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वर्चुअल बैठक के लिए भी तैयारी की जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताजी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए SBN9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SBN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।